तो सीएमए इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल अपडेट जो कि ऑल सीएमए इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स के माइंड में अक्सर आता है कि सर जो हम सीएमए इंटर एंड फाइनल का एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देते टाइम जो आंसर शीट प्रोवाइड किया जाएगा उसको किस तरीके से फिलअप करें, तो उससे रिगार्डिंग इस वीडियो में आप इन डिटेल जानेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट बताऊं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स, अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन से प्रेस कर देना ताकि सीएमए एग्जामिनेशन रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट और नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप सैम्पल आंसर एज लाइक आंसर शीट को किस तरीके से फिलअप करेंगे अपने एग्जामिनेशन में। तो आपका एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके से आपको एक आंसर शीट प्रोवाइड किया जाएगा, उसको आपको फिलअप करना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एग्जामिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसे ज़रूर फॉलो करना, रेड पेन को अवॉइड करना। आप सभी को पता है रेड पेन से लिखना एक नहीं लिख सकते। सेकेंड ऑफ ऑल आप ब्लू पेन यूज़ करो या फिर ब्लैक पेन। मैं मेरे टाइम पर ब्लैक पेन यूज़ किया करता था, तो मैं सजेशन देता हूँ ब्लैक पेन यूज़ करने का, बट ये आपके ऊपर है, आप ब्लैक पेन यूज करना चाहते हो तो कीजिए, अगर आपको लगे कि ब्लू पेन बेस्ट है तो आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हो। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिलअप करना। तो ये पार्ट होता है आंसर सीरियल नंबर का। सेकंड ऑफ ऑल आपको आपका रोल नंबर इन वर्ड्स यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है, जैसे कि 6 डिजिट का रोल नंबर होता है, तो फॉर एग्जाम्पल किसी का ये अपर में जो दिया है यहाँ पे, इसी को अगर हम रोल नंबर समझे तो इसको आपको इन वर्ड लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 194,217। सेकेंड ऑफ ऑल डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप देखेंगे डेट ऑफ एग्जामिनेशन का सेक्शन जो दिया है, जिस दिन जो एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे डेट लिखना होगा आपको। अब ग्रुप की बात करें, अगर आप सीएमए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो तो जो आपका ग्रुप हो उस ग्रुप को लिखना, सीएमए फाइनल का स्टूडेंट हो जिस ग्रुप का एग्ज़ाम दे रहे हो उस ग्रुप को मेंशन करना। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे एक सेक्शन दिखेगा सब्जेक्ट कोड का। सब्जेक्ट कोड आपके एग्जामिनेशन में दिखाया बताया जाएगा, आपके हॉल टिकट पे मे बी प्रिंट रहता है, बट इग्नोर करना, ये जो सब्जेक्ट कोड होगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में कंफर्म है कि बता दिया जाता है। अब ये पार्ट है रोल नंबर का, और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिखने के बाद स्टूडेंट्स ये जो नीचे नंबर्स कुछ इस तरीके से दिया गया है इसको आपको हाईलाइट करना होगा, ब्लैक पेन से कर सकते हो, यहाँ वहाँ पे आप पूछ लेना एक बार एग्जामिनेशन में पेंसिल से करना है या फिर पेन से करना है, तो मे बी पेन से ही करना पड़ता है, तो आपको ब्लैक पेन या फिर जो पेन यूज़ कर रहे हो उससे इसको हाईलाइट कर देना। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट कोड हुआ 4-1, तो 4 को आपको सर्कल करना होगा और इस साइड में 1 को सर्कल करना होगा, मे बी आप समझ गए होंगे। अब रोल नंबर में भी ठीक वही काम करना है आपको, ये जो आपका रोल नंबर का सेक्शन दिया गया है आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर मेंशन करना होगा, और रोल नंबर के नीचे वाले जो ये लाइन है इसमें से आपको जो आपका रोल नंबर का फर्स्ट लेटर होगा, फॉर एग्जांपल आपका रोल नंबर जो ऊपर दिया है 194217, तो फर्स्ट कॉलम में 1, सेकेंड में 2, सॉरी अगेन फॉर एग्जांपल ऊपर जो दिया है 194217, तो ये जो खाली ब्रैकेट है इसमें आपको वही फिलअप करना होगा, आपका रोल नंबर और आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंट होगा। अब जैसे कि फर्स्ट लेटर 1 है तो 1 को सर्कल हाईलाइट करना होगा, सेकंड लेटर 9 है तो यहाँ पे 9 को सर्कल करना होगा, थर्ड लेटर 4 है तो 4 को करना होगा, ऐसे ऐसे आपको सर्कल करना होगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस, तो सबका सेम सिलेबस है, सिलेबस 2020-22, इसको भी आपको देख रहा होगा, ब्रैकेट जो है इसको फिलअप करना होगा एज लाइक पेन से हाईलाइट करना होगा। अब लैंग्वेज ऑफ आंसर, आप अपना आंसर किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी सेलेक्ट करते हैं, एग्जामिनेशन हिंदी में भी आप दे सकते हो इंग्लिश में भी दे सकते हो, तो कोई स्टूडेंट हिंदी सेलेक्ट करते हैं कोई स्टूडेंट इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट किए हो तो इंग्लिश को हाईलाइट करो, हिंदी सेलेक्ट किए हो तो हिंदी को हाईलाइट करो। एंड यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जैसा सिग्नेचर आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है या आपने किया है सेम टू सेम सिग्नेचर यहाँ पे करना है, ऐसा नहीं सर मैं एडमिट कार्ड पे कुछ और सिग्नेचर करता हूँ कहीं और कुछ और सिग्नेचर करता हूँ, तो जो एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर है सेम सिग्नेचर यहाँ पे करना, वही प्रोफेशनल लाइफ का वही सिग्नेचर होगा, होल लाइफ आप उसी को यूज़ करेंगे। अब
अगर आप चाहे तो अपडेट कर सकते हो, बट करंटली आप क्या एडमिट कार्ड पे जो सिग्नेचर है उसी एडमिट कार्ड को लिखना होगा आपको। यहाँ पे ये सेक्शन दिया है, देख सकते हैं, स्पेस फॉर अफेक्शन रोल नंबर स्टिकर प्रोवाइडेड इन द अटेंडेंस रजिस्टर। आपको यहाँ पे मे बी नहीं, यहाँ पे अटैच करना पड़ता है एक स्टिकर, बट ये स्टिकर जो होता है जो इनविजिलेटर होते हैं वो हर बार वही अटैच करते हैं, वो आपको गाइड भी करेंगे किस तरीके से अटैच करना है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो पार्ट बी का एक सेक्शन दिखेगा, मे बी पार्ट आपको समझ गया होगा। पार्ट ए, पार्ट बी में सब्जेक्ट नेम, जिस सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो सब्जेक्ट लिखिए, नंबर ऑफ एडिशनल सीट यूज, तो इसमें जो मेन नंबर होगा, सपोज कि आपने मेन जीरो है और जीरो के बाद भी आपने सपोज दो सप्लीमेंट यूज किया है, तो आपको कितना सप्लीमेंट यूज किया है वो सप्लीमेंट यहाँ पे फिलअप करना है। और ये जो पार्ट दिख रहा है सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर, इसे इग्नोर करना, ये आपके काम के नहीं है। थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको ये सेक्शन दिखता होगा एक, बट इसे आप फिलअप मत करना। देख सकते हैं यहाँ पे मार्क्स अवॉर्डेड टू बी फिल बाय द एग्जामिनर। ओके, हैव अ ग्रेट डे स्टूडेंट, होपफुली आपको समझा। इनकेस आपके माइंड में कोई भी डाउट आए, कमेंट सेक्शन आपके लिए, टेलीग्राम सेक्शन आपके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स अगेन। अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन जो प्रेस कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।